जो सोलर पैनल हैं उनके रेट्स इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम है अब 50 से नीचे 45, 46 पे आ गए हैं सोलर पैनल टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर लेना चाहिए अपने ट्यूबवेल को ये तो मैं बता रहा हूँ चीजें आठ प्लेटों पे चलती हैं आपका वाटर पंप चलता है आपकी फ्रिज चलती है आपका ए चलता है अगले पच्चीस साल आप मुफ्त अपने पूरे घर में ये सारी चीजें चला सकते हैं ए चला सकते हैं फ्रिज वाटर पंप लाइट्स पंखे असला दोस्तों पाकिस्तान में इकॉनमी के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर चल रही है और वो अच्छी खबर है सोलर प्लेट्स के रेट का बहुत कम होना जो सोलर पैनल हैं उनके रेट्स इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम हैं और ये इकॉनमी के हवाले से कैसे एक अच्छी खबर है देखिए अगर आप पिछले दस पंद्रह साल की न्यूज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी इकॉनमी को जो सबसे बड़ा थ्रेट था वो था अनर्जी क्राइसिस का और इसकी बेस्ट एग्जांपल है 2013 वाले इलेक्शन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2013 में ख़त्म हो रही थी और 2013 वाले इलेक्शन आए थे तो जो नून लीग थी उनका नारा ही यही था उन्होंने यही नारा दिया था कि अगर हमें हुकूमत दी गई तो हम आके इस एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करेंगे क्योंकि उस वक़्त जो लोड शेडिंग हो रही थी वो दस से बारह घंटे की लोड शेडिंग थी और किसानों का बुरा हाल था क्योंकि जो बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं यानी जो बिजली की मोटर लगी हुई है फसलों को पानी लगाने के लिए वो चल नहीं पा रही थी फिर जो कारखाने थे वो भी चल नहीं पा रहे थे तो फिर वो हुकूमत में आए उन्होंने काफ़ी हद तक नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने इस एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म भी किया और ये उनका एक क्रेडिट है लेकिन उसके बावजूद ये मसला मुकम्मल हल नहीं हो सका क्योंकि लोड ही इतना ज़्यादा है और हमारी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्स नहीं हैं ये मुमकिन नहीं है कि लोड शेडिंग को मुकम्मल ख़त्म करना फिर एक और बहुत बड़ा मसला आ जाता है बिजली की चोरी होती है तो ये सारे मसले मसाइल मिला के लोड शेडिंग हमेशा से हमारे यहाँ है और आज अगर 2024 की बात करूं तो आज भी हमारे यहाँ लोड शेडिंग है तो इस एनर्जी क्राइसिस का एक अल्टरनेटिव है ये सोलर पैनल या इस एनर्जी क्राइसिस का एक हल है ये सोलर प्लेट्स तो अब जो वक्त चल रहा है मतलब ये बेस्ट टाइम है सोलर पैनल लगवाने का देखिए हमारे यहाँ जो कारखानों वाले लोग हैं और जो कोल्ड स्टोरेजेस वाले लोग हैं वो तो वैसे ही बहुत समझदार हैं आप अगर बाहर निकलें तो आप अगर छोटे शहरों में रहते हैं तो आप आलू के कोल्ड स्टोरेज देखें आपको ज़्यादातर कोल्ड कोल्ड स्टोरेज वो नज़र आएंगे कि जो सोलर पैनल पे शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो बहुत समझदार होता है तो उन्हें पता है कि जितनी महंगी बिजली हो चुकी है हम इतना बिल क्यों दें बजाय इसके हमें एक दफ़ा इन्वेस्ट करके ये सोलर पैनल लगवा लेने चाहिए और उसके बाद हम फ्री मतलब अपने कोल्ड स्टोरेज को चलाएं तो ये कोल्ड स्टोरेज और कारखानों वाले तो बहुत सारे लोग हो चुके हैं शिफ्ट और किसान भी अब तेज़ी से हो रहे हैं और मेरा आज का मैसेज भी ये है कि अगर आप किसान हैं छोटे किसान हैं तो आपको तो ज़रूर इस जो है ना वो सोलर पैनल लगवा के सोलर पैनल टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर लेना चाहिए अपने ट्यूबवेल को क्योंकि देखिए बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि छोटे किसान की तो ये से ही दूर हैं फिर उसके बाद बाजुकात अगर आपकी लाइन पर कुछ लोग डिफ़ाल्टर हों तो वो पूरी लाइन का जो तीसरा फेज़ है वो बंद कर दिया जाता है और अगर तीनों फ़ेज़ ना चल रहे हों तो बिजली की मोटर चलना मुमकिन नहीं होता ये तीन फ़ेज़ पर चलती है जो ज़िम्मेदार हैं उनको मालूम है तो इन सारे मसलों से जान छुड़वाने का हल है ये सोलर पैनल उसके बाद देखें अगर हम रेट्स की बात करें तो आज 19 मार्च 2024 है और आज की डेट में ये रेट्स इतने कम हैं कि हिस्ट्री के सबसे लो रेट चल रहे हैं इतने कभी भी कम नहीं थे आज का जो बुकिंग रेट है ना बहुत सारी कंपनियों का जो पाकिस्तान में ज़्यादा कंपनियाँ चल रही हैं अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की मिसालें लें तो जिनको एक कंपनी है फिर उसके बाद कनेडियन सोलर प्लेट्स अवेलेबल होती हैं फिर लॉन्जी एक कंपनी है सोलर प्लेट्स की तो इन सारों के जो बुकिंग रेट चल रहे हैं वो 45 से 46 रुपए हैं ए ग्रेड पैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ ए ग्रेड सोलर प्लेटों की बात कर रहा हूँ तो पैंतालीस छियालीस रुपए का मतलब ये है कि अगर आप पाँच वाली जो एक प्लेट है उसका रेट बनाएं तो वो पच्चीस बनता है तो पच्चीस की प्लेट है ये बहुत ही सस्ते रेट हैं अब बहुत सारे लोगों ने इससे डबल से भी ज़्यादा रेट पे सोलर अपने इंस्टॉल करवाए थे तो अब ये हाफ़ से कम कीमत पे आ गए हैं वैसे हुआ तो ये है कि जिसने भी लगवाए हैं वो पछताया है मतलब हो सकता है आप कहें कि ये रेट्स नीचे आ रहे हैं क्योंकि जब रेट सत्तर पे आए थे तो लोगों ने कहा था कि शायद इससे नीचे ना आ ना आए लेकिन फिर ये साठ पे आ गए तो लोगों ने कहा कि ये शायद लीस्ट रेट होंगे फिर ये पचास पे आ गए तो पचास पे सब ने सोचा कि अब तो ज़रूर लगवा लेना चाहिए ले नहीं तो अब ये रेट बढ़ेंगे लेकिन अब ये पचास से नीचे पैंतालीस छियालीस पे आ गए लेकिन मैं अपनी राय आपको दे रहा हूँ कि शायद ये चालीस से नीचे ना आए और अपनी इस राय की मैं वजह भी बता देता हूँ देखें गर्मियाँ आ रही हैं और हर बंदे को अपने पैसे बहुत प्यारे हैं तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ने लगी है हमारे यहाँ गंदम का सीज़न पंजाब में आ, कोई बीस पच्चीस दिन बाद शुरू हो जाएगा और ज़्यादातर जो ज़िम्मेदार है उन्होंने गंदम काश्त की होती है तो साफ लोगों के पास पैसे आएंगे गंदम के बाद तो उसके बाद डिमांड बहुत बढ़ जाएगी अप्रैल के महीने के मिड के बाद डिमांड बहुत बढ़ जाएगी तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको अप्रैल के मिड से पहले पहले लगवा लेनी चाहिए सोलर प्लेटें क्योंकि अप्रैल के मिड के बाद इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और शायद 40 से नीचे ना जाएं जैसे मैंने बताया फिर देखिए इनके लगवाने का फ़ायदा क्या है हम एक मिसाल देख लेते हैं घरेलू सार्फिन के हवाले से कि अगर आप बिजली का बिल देते हैं और आपके घर में सिर्फ एक ए चलता है तो आपका जो बिल है ना वो कम से कम पचास हजार रुपए आएगा अगर एक ए सी चलता है साथ फ्रिज चलती है वाटर पंप चलता है और बाकी चीज़ें तो हम चलाते ही हैं तो मतलब छः महीनों का बिल कितना बन गया तीन लाख रुपए अब आते हैं अगर एक घरेलू सारफ सोलर पैनल लगवाए तो उसका खर्चा कितना आता है एक तरफ देखें बिजली का बिल कितना बन रहा है तीन लाख रुपए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हम अपने घर को सोलर पैनल पे शिफ्ट करें और सोलर पैनल में शिफ्ट करने से गर्मियों में हमारी बिल से तकरीबन मुकम्मल जान छूट जाएगी हमें एक हज़ार से ज़्यादा बिल नहीं आएगा तो मतलब हम कह सकते हैं कि हम नो बिलिंग की तरफ जा रहे हैं तो अगर हम सोलर पैनल पर शिफ्ट होते हैं तो खर्चा कितना आता है पच्चीस रुपए की हमने कहा एक प्लेट है आठ प्लेटों पर आपका घर चलता है पच्चीस हज़ार की एक प्लेट आप पच्चीस हज़ार को ज़रब दे दें आठ के साथ तो ये बनते हैं दो लाख रुपए दो लाख रुपए में आ गई आपकी ये जो सोलर प्लेट्स है तकरीबन पचास से पचपन हज़ार का एक एवरेज आपका इन्वर्टर आ जाता है तो जो जो बिजली को कन्वर्ट करके भेजता है तो आपके हो गए ये तकरीबन ढाई लाख रुपए और आप पचास हज़ार रुपए की आ, बैटरी स्टार्ट में आप एक भी बैटरी रख लें तो आपका गुजारा हो जाएगा बड़ी बैटरी अगर आप एक भी रख लें तो पचास हज़ार रुपये बैटरी और तार वगैरह पे ख़र्चा डालें तो तीन लाख रुपये में आपका घर पूरा चल जाता है और इन आठ प्लेटों पे इनके साथ अगर आप इन्वर्टर लगाएं तो आपका वाटर पम्प पंप चल जाता है आपकी फ़्रिज चल जाती है आपका ए भी चल जाता है तो बाक़ी पंखे और लाइट्स तो साफ दर है मामूली केस हैं ये तो मैं बता रहा हूँ कि तीनों बड़ी चीज़ें आठ प्लेटों पे चलती हैं आपका वाटर पंप चलता है आपकी फ़्रिज चलती है आपका एसी चलता है तो छः महीने का जो आपने बिजली का बिल देना था तीन लाख रुपए आप वही तीन लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपका पूरा घर सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा और आप अगले पच्चीस साल के लिए बिल से आपकी जान छूट जाएगी अगले पच्चीस साल आप मुफ्त अपने पूरे घर में ये सारी चीज़ें चला सकते हैं ए चला सकते हैं फ्रिज वाटर पम्प लाइट्स पंखे तो जैसे मैंने कहा कि ये बेस्ट टाइम है सोलर पैनल पे शिफ्ट होने का अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो बिल्कुल इंतजार ना करें जाके सोलर प्लेटें खरीदें और उन्हें इंस्टॉल करवाएं।